एक था सरदार। यारों का यार सरदार, रुको रुको रुको, एक मिनट, एक काम करो, चार पीछे से जाओ और बाकी सब मेरे साथ ऊपर आओ। गफूर देख, स्लावले पाशा भाई, सुबह सुबह एकदम आप इधर। बाबा और चिन्ना किधर है? बाबा और चिन्ना गली में से जा रहे थे साहब, मीठे सौदे की दुकान को। आप कहाँ चले गए कि समझ में नहीं आ रहा? ए गफूर, ज्यादा होशियारी ना को कर तू, देख नया सकल बहुत खतरनाक है। सीधा सीधा बता दे वरना बहुत पछताएंगे तुम लोग। करेंगे बलि के बकरे अपनी बने ऐसा दिख रहा है, इसको चट्टा देखे। पाशा भाई, मैं दोनों को पकड़ के लेके आता हूँ, यही चुंगे बाजू गली में होंगे। दो मिनट में ला रहे साहब, चल। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे रे? तुम लोगों को भी चल रहा है पुलिस स्टेशन। ये भागने की कोशिश, भाग ले शुक्र, भाग जा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सरदार मुझे कल से आ जाओ, कल 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 चल आ जा। अरे गफूर, अरे मर जाते रे तुम लोग, मेरी बात तो सुनो। खतरनाक गड़बड़ दिख रही मेरे को ये। भाग शुक्र, अपनी जान बचा लेके भाग। अम्मा, अरे आज नहीं बच सकते रे तुम लोग, आ तुम्हारी फील्डिंग हो गई रे। पर आया रे, उन्हें अपनी चिट्ठी उठाई जैसा दिख रहा। भाग ले शुक्र, भाग। रुक जाओ, भागना बेकार है वरना तुम्हारा भी इनकाउंटर कर दूंगा, जिस तरह तुम्हारे सरदार का मैंने इनकाउंटर किया है। सरदार भाई का इनकाउंटर हो गया? हाँ, मारो सालंगो, ले चलो पुलिस स्टेशन, मारो सालंगो, ले चलो, चलो सालंगो, आज छोड़ूंगा नहीं आज। सरदार भाई का इनकाउंटर? मैं अभी जाके सुमैया भाभी को बोल के आता हूँ, ये एनकाउंटर सरदार में कहा जा रहे? सुल्तान जा रहे, मतन इडली ले गया। भाभी 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 भाभी, सरदार में कहा एनकाउंटर हो गया। कहते क्या? वो पुलिस वाले बोल रहे थे भाभी, मैं अभी जाके बाबा भाई को बोल के आता हूँ। नहीं मालूम साहब बोला ना नहीं मालूम ये पुलिस स्टेशन। यहाँ पर गाय ही नहीं, हम जैसे पुलिस वाले तुम जैसे बैलों से भी दूध निकाल लेते हैं, समझा? बता दो साहब। शुक्र, तेरी समझ तो जंगली हाथी से भी तेज है रे, याददाश्त तेज है तेरी। मौत की सजा सुनाई तो बुखार पर राजी हो गया? बता साले।
बता दो साहब, दो दिन से मेरी पीठ बहुत खुजा रही थी, तुम खुजा के मेरा काम आसान कर दिया साहब। मुझसे मजाक करता है साले? मुख्तार खान, तेरे जैसे से उम्मीद भी क्या की जा सकती, सुना है और देख भी लिया, तू ड्यूटी के साथ साथ भड़वागिरी भी अच्छा करता है। भड़वे रामी बिल्लिया साले, चला उसका मेरे हाथ, चला हाथ डांट जाते हो लोग ऐसे साले के लिए, रामी साले हम क्या जो आमर करा दूँगा, अरे मेरी बात सब लोग सर, मुख्तार खान, अह यहाँ, सर, ये सब क्या हो रहा है, तुम इन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर क्यों दे रहे हो? ये लोग सरदार के साथी हैं, इनके दो और साथी बाबा और चिन्ना फरार हैं, मैं उसी के बारे में इनसे पूछ रहा था। इस तरह पूछते तुम? मुख्तार खान, इस तरह से ये लोग बागी बन जाएंगे, हमारा काम है जुर्म को खत्म करना, ना कि और मुजरिम बनाना। सरदार कहाँ रहे? नहीं साहब, ये पुलिस वाला बहुत मारा साहब। और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? रहने दो साहब, इन्हें मारता और आप आगे थपकते, ये दो मुंह के चाले नको करो साहब, आपको सूट नहीं होता। हम आपको एक अच्छा पुलिस वाला समझते थे साहब, मगर आप लोग आप पूरे पुलिस वाले मिलकर सरदार में गाइड काटर कर दिया साहब। व्हाट? सरदार का इनकाउंटर किसने किया? मैंने किया है सर। किससे पूछ कर किया तू ऐसा? ऊपर से ऑर्डर आ गए थे सर। अरे दो दिन पहले तो मेरा उसके साथ बात हुआ था, वो मेरी बात समझ गया था। इसका मतलब कमिश्नर साहब ने प्लान बदल दिया और मेरे को सीएम के बंदोबस्त पर लगा दिया। प्लान तो उसी वक्त तय हो गया था सर, जिस वक्त मुझे यहां के लिए अपॉइंट किया गया था। किसी से क्या शिकायत करना मुख्तार खान, जबकि हमारा अपना डिपार्टमेंट हम लोगों की ठोक देता है, फिर तुम जैसे पुलिस ऑफिसर ऐसे मुजरिमों को सुधरने का मौका ही नहीं देते। आपके रहते हुए ये क्या हो गया साहब? कैसे समझाऊं तुम्हें, ये बहुत बड़ी साजिश है। आई एम रियली सॉरी। आपके सॉरी बोलने से क्या सरदार भाई वापस आ रहे थे साहब, और आपके कहने पे अपने आपको पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले करने वाले थे साहब, फिर आपका डिपार्टमेंट ये क्या कर दिया साहब? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये बहुत बड़ा साजिश है, मुझे खुद मालूम नहीं है। याद रखो साहब, जब जब कानून के हाथों किसी बेगुनाह का कत्ल हुआ है, उसी खून की फिटकार से तब तब एक नया सरदार पैदा हुआ है। क्या मुसीबत है, यहाँ भी ट्रैफिक जैम हो गया, अब मुझे दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। एक चाय पिलाना भाई। क्या रहम चिच्चा, आज बच्चे के स्कूल छुट्टी मिल गई? हाँ बेटा छुट्टी है। दादाजी आज इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? बेटा ये ट्रैफिक का जाम होना और तुम्हारे स्कूल की छुट्टी मिलना एक ही वजह है, सरदार। दादाजी सरदार कोई लीडर है? नहीं बेटा, सरदार कोई लीडर नहीं था। अच्छा ये बोलो, सरदार अच्छा आदमी था या बुरा? मैं ये तो नहीं कहता सरदार बागी था या हीरो, फिर? इसके लिए हमें उसकी जिंदगी के बारे में जानना जरूरी होगा। चांद भाई की तरफ से 10 रुपए। तेरी बाहर आ जा, महल है देश को लेके पकड़ो, चुपाड़ो मेरा भाई। चांद भाई मैं
अगर हम कैसा भी हार जाते। तुम्हारी तरफ से हुआ मेरे भाई। ये क्या कुरे छोड़ूंगा, आ जा बेटा। और कौन है? मैं कलाल चौपन के भीमा से मुकाबला कर सके। होशियार, खबरदार, आ रहे हैं यारों के यार हमारे सरदार। आ गया हमारा सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई, सरदार भाई। ये ले 200 रुपए की, हम पूरे ऑटो वालों के तरफ से लगी। सरदार भाई, या अल्लाह मदद। बड़े जमाने के बाद किसी मर्द से पाला पड़ा है, लेकिन मैं भी किसी शेर से कम नहीं। इस शहर में तो सिर्फ एक ही शेर रह सकता है, वो है सरदार। क्या बोला? मैं जो बोल दिया सो बोल दिया, खेल खत्म, पैसा हजम। ए, क्या देख रहा, लेके जा सांड को, 6 महीने तक पंजा लड़ाने के काबिल का नहीं रहेगा। चल राइट, चल 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 चल, तू भी चल, चल चल बेटा, चल रंग लौट के जाऊंगा। हट, क्या छोड़ो। मैं कितनी बार बोला तुम लोगों को, ये लाउंड पने के शर्ता नहीं लगाना बोलाना। अगर मेरे आने में देर हो जाती तो? ऐसा कैसा बोल रहे भाई, हमको पूरा भरोसा था आप हमारी मदद करने जरूर आते बोल के। अरे गोरे मियाँ, नौज बिल्ला, इंसान की क्या मजाल जो किसी के काम आ सके। हमेशा अल्लाह का नाम लियो और शुरू हो जाओ। 100 सोनार की, 1 लोहार की, चलो सब अपने अपने काम पे। खाला ये लो थाला। ला दे। डॉक्टर साहब कितनी बार बोले जी पानी में काम नहीं करना बोल के, इधर लाओ, मैं सोप कर लेता हूँ अम्मी, ये लियो दवाएं। सोप करता हूँ बोलता, करता ना धरता। सोप करना है तो पहले शादी कर ले, समझा? तू शादी कर लेगा तो तेरी बीवी आके ये पूरा काम संभालेंगी। अरे अम्मा, क्या ये शादी कहीं को बीच में आ गई? एक मुशाता को मैं बोली, पनकी ऐसे उजाड़ बुड्ढे सूरतों के बच्चियाँ दिखा रही, उन्हें एक भी बच्ची पसंद नहीं आ रही मेरे को। अरे मेरे शेख मोहम्मद के वास्ते तो मैं गोरी गुमटी हूर परी के वैसी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। अजी मेरी अम्मी, हूर परी गोरी गुमटी तो किस्मत वालों को मिलती है अम्मी, अपन गरीबों को तो खाली पीली से काम चलाना पड़ता ना। चुप, ऐसे बात ना कहीं को करता। देखना मेरे शेख मोहम्मद के वास्ते तो मैं चांद का टुकड़ा लेके आऊंगी, चांद का टुकड़ा, पूरा बाड़ा देखते रह जाएगा। हाँ मेरी फिक्र छोड़, तू 4 पैसे जमाने की सोच। वो कही को अम्मा? वो कही को, देख कल को तेरी शादी होंगी, तेरी जोरू आएंगी, उसके भी आरजू अरमाना रहते, उसके ऊपर खर्च कर। मेरी बुड्ढी के ऊपर खर्च करके क्या फायदा रे? ए देख, एक तो मेरी उम्र हो गई, ऊपर से ये शक्कर की बीमारी, इतनी ईमानदार रहती कहते ये शक्कर की बीमारी खबर में गए तक साथ नहीं छोड़ती। ऐसी बीमारी के पीछे दवा दारू पे खर्चा करके क्या फायदा, बोल तुझ बोल। देखो आपके पैरां फूल गए ना जी अम्मी, कल बड़े डॉक्टर कने जाएंगे अपन। बड़े डॉक्टर ना छोटे डॉक्टर, तेरी शादी से पहले मरने वाली नहीं मैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करे। अरे लायक बेटा, 5 रुपए के नमक पारे लाके दे दे बेटा। बुड्ढे हो गए तो भी तुम्हारी चटोरी जवान के शोखा देखो, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कमीने, जिंदगी भर अपने शोखों को मार मार के, अपना पेट काट काट के तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा करा रे, और तुम लोगों को कमाने के लायक बनाया रे। आज तुम लोग मेरे को बोलते रे पाल पोस के बड़ा करे तो कौन सा बड़ा तीर मारे। सो भी अम्मा बाप ने बच्चों के आसे करते, अब मैं मेरे बीवी बच्चों को देखूं, तुम्हारे को देखूं? हाँ बैठो खामोश। सलाम अलैकुम अहमद चिचा, कैसे हैं आप? आज का अखबार नहीं पढ़े, क्या हुआ चिचा? जिंदगी कुछ पढ़ लिया मैं, अब अखबार क्या पढूं सरदार मियां। अरे आप हमारे बड़े हैं जी, इतना उदास रहे तो अच्छा नहीं दिखता। चिचा एक काम करेंगे ना, लक्ष्मी खाएंगे चाय पी के,
मैं उधर जाता हूँ, आप इधर आ जाओ। चलो चलो। अरे चलो चलो नहीं बेटा, चलो ना मेरे चच्चू। अच्छा एक काम करो, ये लो ये गरम गरम लोखबी चाय पी के आओ। अरे चिच्चा समझो ना, अल्लाह हाफिज। चार नालायक बच्चे नहीं होना, एक ऐसी औलाद होना सरदार जैसी। शेख मोहम्मद की अम्मा घर में है? अरे आदाब शाह साहब। वालेकुम सलाम। किराया ये लीजिए। शुक्रिया। पूरे है ना इसमें? गिन ले शाह साहब। कोई बात नहीं। ये शुक्र और गफूर मेरे आने से पहले इतने बड़े बड़े खुफना डाल के यहाँ से भाग जाते, और इनकी अम्मा घरों में बर्तना धो धो के बचा कुचा ला के खिला रही, और इन दोनों को मुस्टंडे बना दे रही। आउटनों को शाह साहब कहाँ जाएंगे वो लोग, दे देते किराया। आज मैदान को गए सब लोग, वो उनका कबड्डी का मैच है ना। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। आदाब। अरे गफूर, तेरी का चुरन, इस गेम का पुराना खिलाड़ी हूँ रे मैं। बाबा भाई बुल्स के बात नको करो, नहीं तो ब्रिंजाल से मिला दे तो इधर ही। मेरे को मालूम तुम बहुत पुराने चावल है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। अरे हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अरे हम भी कुछ कम नहीं। अरे गफूर में मैदान में आ जाओ, देख लेंगे। हाँ? के बात नको करो। अरे साले शुक्र, तू मेरा भाइयों के बाबा भाई की साइड ले रहा रे, बचपन के मारा भूल गया क्या रे? ये तो वही बात हो गई, खारा यारों का गारा। अरे जाओ जी जाओ, गल्ले में पैसे जमा करके रखता था मैं, तुम लिया के मैं नमाज के लिए जमा करके रखा, तो तुम चॉपिंग कर लिए, बैगन के बात कर रहे, तुम भाई है जी, और मैंने ला के रखा तो वो भी पहन लिए, क्या भाई का साथी हूँ मैं। मोटल तुम तेरे को जान दे रहे कपूर, आजकल का ब्लड व्हाइट हो गए, अपना भी पराया हो गए। अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम चिन्ना है भाई। चिन्ना? तेरे हाड़ के हिसाब से तेरे अम्मा बाबा तेरा नाम पेद्दा रखना था। रे सीढ़ी बजा, आज गेम एक दरखास्त सब बर्खास्त। कम ऑन यू बॉल्स ऑफ बैगन, चलो बॉयज लेट्स शो देम द पावर ऑफ बैगन। चलो हो जाए, जा मेरा नाम खराब ना कर, भाग। अरे यही दम तोड़ दे रहे, कह रहे भाग। कबड्डी भाई ये झाड़ू को काई को बैठ गया। 10 12 कबड्डी अल तारा, एक को देख के 10 12 अल कबड्डी अल तारा, एक को देख के 10 12 अल कबड्डी, एक को देख के 10 12 टांगा पकड़ो इसके। कबड्डी अब ये हो गया, कबड्डी अल तारा, अरे पकड़ लेता हूं। 10 12 भरा डाल कबड्डी, कबड्डी 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 कबड्डी। चलो मुर्शिद आउट, इज्जत हमारी, अब चलो साइड में जाओ उधर, अब देखो रे कौन आ रहा, जाओ शान भाई तुम। कबड्डी 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 कबड्डी। आउट, चलो चांद भाई चलो आउट आउट। छी शिट, छी छी शिट भाई, पानी सर से ऊपर चढ़ जा रहा। जा जितने बचे पूरों को डाल ले। अरे खिचले 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 सिंगे को। अब आ रहे हैं टीम के कप्तान बाबा भाई। अब इन्हों क्या उखाड़ते हैं? हट हट हट। ऐ कबड्डी ऐ कबड्डी 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 अंदर अंदर कबड्डी 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 तेन दिसकोस्ता गफूरा ना, नेन दिसकोस्ता, इनकी दिसकोस्ता। अरे जा बे चोटी। ये देदु, ये वड़े दु, करनाम पटेलु कर रे दु, ये देदु, ये वड़े दु। अरे गुड्डेस साले, छोटा इंसान साले। आओ चलो बाबा चलो, भूत हो गया चलो। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यलगार। अरे ये क्या कर रहा है इन्हें? अरे मुर्दा ने को मारा इधर। रे पूरे पूरे देखो कैसे बोले वैसा पलट दे। रे हट रे पीछे पीछे। बस गफूर हटो ना जा भाई। अरे आ जा।
अरे वहाँ क्या कर रहा है, मैं लाइन के ऊपर अंदर आते तुम्हारे घर को बता दूं तेरा। अरे ताजमहल को बुला रहे, आता हूं जा। अभी बता दो तुम। चाय के पैसे माफ, चाय के पैसे माफ, चाय के पैसे माफ, चाय के पैसे माफ। सारे मोटे मुरमुरे के थैले, मोटे गेंडे, चाय के पैसे माफ। अरे जल्दी से माफ कर दो मेरा। चाय के पैसे अंदर मारो। चाय के पैसे माफ बोल रहा हूं, जल्दी मोटे हट। चाय के पैसे माफ। अरे जान दे रे, चाय के पैसे माफ बोल रहा हूं, जल्दी। ए आंदो आंदो, ए अंदर, ए ए ए हेलो तुम हाँ चलो चलो खत्म आउट। गफूर गैंग की टीम में एक ही प्लेयर बचा है, वो है चिन्ना। कबड्डी और जंग में सब जायज है, अब बता तो साले। अरे भारत माता की जय। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे उधर देख, कबड्डी 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 क्या बोला था रे भाई, एक दरखास्त सब बर्खास्त। तुम बहुत चीट किया जी, हमारे आंखों में बाम लगा के तुम मैच जीतता जी। वो चमनों में गिरगुटा रहते देखो, दीवालों पे बैठे हुए, वो खसलत नहीं छोड़े तुम, बता दिया इनो कलर अपना। वो कहावत नहीं सुना, एवरीथिंग इज फेयर इन जंग एंड वार, अब समझा ना बाबा भाई। आई विल शो यू नेक्स्ट मैच हाउ टू चकलास लगाइंग, कम ऑन गाइस। अरे जा रे चल, अरे चल जा रे, हार गया छी। अरे चल भाई, भाई है। अरे फुलके पैसे दे। हेलो बाबा भाई। अम्मा अच्छा संभाल के रखा है। एक मिनट ठहर बेटा, पहले गिनने दे। ये लो 100 रुपए। 300 बोल के लाए थे ना बैगन की मेरी का चूरन। खामोश जाओ, बहुत है तुम्हारे हिसाब से 100 रुपए भी। चलो आइंदा से नहीं आऊंगा, बैगन की मेरी एक बोल के बुलाते एक देते। आइंदा ब्लैक कलर कराओ बालों को। अपने 100 तो अपने को आ गए, बहुत बढ़िया। क्या है हमेशा कम देते तुम। अरे तेरी हाइट के हिसाब से ज्यादा है, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा रहा। चल निकल, चल बिरयानी खाएंगे, चल ठीक नको। इले मिया, इले रेगिन। गांधी जी 100, गांधी जी 200, गांधी जी 300। भाई अपन दोनों को मिला के 11 प्लेयर है, मगर ये 12वां कौन है? 12वां खिलाड़ी तो मैं हूँ, यानी नवाब शाह साहब। इतने तिंगलों से कमाई भी तो तुम यहाँ भी आके मार दी हमारी। अरे वो गिड्ढे 4 महीने से तो किराया नहीं दे रहा, कब तक बचते रहेगा? का चूरन 100-200 रुपए खर्चे को तो दियो। बैगन देता। कब तक लोगों को चूरन लगाता रही, मेहनत कर, मेहनत से कमा। ये रख ऐश कर आज रात में। भागते चोर की लंगोटी सही। भाई मेरे को पैसे, तेरी वजह से हुआ ये सब। आइंदा अगर दिखेंगे ना खत्म कर दूंगा तेरे को। 200 रुपए मेरे को बस नहीं होते, इसको दे।
काला माँ कौन है रे? चिन्ना। क्या रे चिन्ना? थोड़ा पानी दो ना। पानी होना? अच्छा अच्छा। काला माँ इनका कुंचम नील। हाँ ठहर लेके आती हूँ। ले काला माँ। अब क्या है? थोड़ा और नील। थोड़ा और? कितना पानी पीता रे? पेट है मशक है तेरा? इतना पानी पिया तो गंडी पेट भी सूख जाता। एवं ठहर लेके आती हूँ। अब ये ले, कितना पानी पीते कि जी भर के पियो। अब और तंग ना को कर। आप नहीं समझ रहे खाला। क्या नहीं समझ रहे? सरदार भाई रहते तो समझ जाते थे खाला। अब ये घड़ा भी खाली कर दिया तो घड़ी घड़ी पानी नहीं देती मैं। जाके वो बाड़े के नल से भर लेना। खाला हम पीने बड़े तो घड़ी पेट क्या चीज है? हुसैन सागर भी खाली हो जाता। मेरा मतलब हुसैन सागर भी खाली हो जाता ना। दोनों को बोटे खाला नुँ नुँ नुँ। हम बुरा नहीं माने तो एक बात बोलना चाह रहा था। टंग 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 हम काम पे गए सो है। टंग 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 ऑर्केस्ट्रा बंद करो, काम की बात पे आओ। एक प्याज दो हरी मिर्चियां दो जवारी की रोटियां दिए तो गरीबा खा लेते। बेसन घर में है। अच्छा काई को बेटे रोटियां बना लेना नहीं आता? भले चब तो काला मरद को बोटी बनाने आते मगर रोटी बनाने नहीं आते। अगर किस्मत खराब रही तो धोखे से हार भी सकते। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आज हम कबड्डी का मैच जीत गए। सही। और इसी खुशी में आपके वास्ते और सरदार भाई के वास्ते नारी और पाए लाए। खाला इसमें से हड्डियां और गोश हमारे सरदार भाई को रख दो, शेरवे में रोटियां चूर के आप खा लो। काई को बोल तो आपको दाता नहीं है ना खाला। माजी मेरे चुप बैठ जा, क्या करता है? क्या हो रहा है ये? सलाम भाई। अन्ना अम्मी जम के भूख लग रही। चलो हाथ मुंह धो ले, आ जाओ अंदर। क्या हुआ यार, तुम लोगों को भी दावत देना क्या? चलो अंदर। रे 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 अरे रे 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 आउच। अरे माँ अम्मी चांद जैसी भो बोले थे, ये चांद में बादल आ क्यों? अंधे हो देख कर नहीं चला सकते? कोने से जा रही तो भी टक्कर। सॉरी मैडम मैं बच्चों से बात कर रहा था। मैं तुम ऑटो वालों को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम ऑटो वाले ऑटो चलाते चलाते फिल्मों के पोस्टर देखते हो, लोगों को टक्कर मार देते हो। मैं तो बच्चों को बिठा के लेके जा रहा था ना मैडम, आप इस बीच में आ गए ना। लगता है मोच आ गई। लगता है मोच आ गई मैडम, जर्रे के पास लेके जाना पड़ता। चलिए धीरे। अरे ये तो हमारी टीचर है। चलो बच्चा सब लोग बाजू हटो, टीचर को बैठने दो। बेटा बैठिए मैडम। मुझे मिल आया ना, टीचर को बैठने दो। मुझे घर छोड़ दीजिए आप। ऐसा कैसा हो सकता मैडम, जख्म मैंने दिया तो मरम पट्टी भी मैं कराऊंगा ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, कुछ भी बोलो चांद का टुकड़ा है रे बाप। बस 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 यही रोक दो। हेलो उतरो मैडम। हाँ आ गई सुमैया। हाय हाय ये क्या तभी हो गया इसके पैर को? सुमैया ये क्या हो गया, वो भी आज के दिन? खाला आज के दिन बोले तो अमावस है क्या? अरे नहीं जी, आज के दिन सुमैया को लड़के वाले देखने आ रहे थे। अम्मी आप मेरे को कुछ बोले भी नहीं। मैं बोलती तो तू मान जाती क्या? अपनी माँ के चक्कर में अपनी उम्र निकाल रही। मेरा क्या है बेटा, इसकी शादी हो जाए तो मैं चैन की सांस ले सकूं। मैं कौन सा आपके सीने पे पत्थर बन के बैठी हूँ? जवान बेटी माँ बाप के सीने पे पत्थर जैसी छोटी, तेरी शर्त के मुताबिक कोई घर दामद मिलने से तो रहा। ये घर दामद किसको बोलते खाला? अरे इतना भी नहीं समझते, मेरे को छोड़ के जाना ही नहीं चाह रही तो घर दामद तो लाना ही पड़ेगा ना। ये सब तुमको कहीं कुछ ही, कितने पैसे हुए तुम्हारे? अरे नहीं खाला पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहीं को बाबा, तुम क्या हमारे रिश्तेदार है? समझ लो या बना लो कोई भी रिश्ता। ओ हेलो चलो जाओ यहाँ से। दो दिन के बाद फिर आता हूँ खाला पट्टी बनाने को। तुम इस कहीं को आते? वो क्या है आपकी बेटी को मैं टक्कर मारा ना खाला, इलाज भी तो मैं कराना है ना। तू टक्कर मारा? अरे माटी में ले कहाँ झाड़ू का कट्टा, अभी बता दूँ। रोड पे बेधड़क चल रहे पैदल चलने वालों को टक्कर मारते जान दे। अब चल तू आराम कर। अरे शुक्र इस तावीज की करामात बता, बोल
तेरे बाजू में जो खड़ा है उसके हाथ में क्या है? लाल डायरी है। देखा आपने, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, हेलो क्या बात है। जो है बेवा वो शादी करके हो जाए मेवा। मेवा बाबा, इस वक्त मैं एक बच्चा यहाँ पर खड़े हुआ है। खड़े हुआ है? मैं उसको बुलाना चाहूँगा। आ जाओ बच्चे। बच्चे इधर आ, ये देखो इसको इरखान है। है ये तावीज बनकर अपने अम्मी जान को बता दो, बेटा तुम्हारा इरखान कम हो जाएगा। ये तावीज को रात में सहला कर सुबह में पी लेना। बेटे गल्ले में 20 रुपए डालो, गल्ले पे काफी असर है। बच्चा इधर आ, हाथ ला, ये तावीज पकड़। ऐनक उतार, बता बाबा नजर आ रहे हैं? तालियां। देखा देखा आपने तावीज का कमाल। देख लिए तुमने, देखा तावीज का कमाल, इसको आंखें आ गई, अब ऐनक की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा गल्ले में पैसे डाल बेटे, तू बहुत परेशान नजर आ रहा है। बेटे जुम्मे को जिलबी दरगाह में बांट दे बेटे, समझा? बच्चा बाबा इसको फूंक दो। आलिया, अरे सब कुछ तावीज़ दे रहे। अब आया उन पहाड़ के नीचे, ठहर बेटा। अरे गफूर धंधा करने दे रहे। धंधा? बच्चा जमुरा और तुम बाबा? बच्चा जमुरा आंख बंद कर, आप बोल हमारा साथ कौन सा जानवर आई? घोड़ा। अब गधा। अब अरे मुर्गी है, कपड़ा जू पार्क लेके आया क्या? जू? ये इंसान है और तू ये हैवान के साथ क्या काम कर रहा है? तुम इसको बिगाड़ दे रहे चिचा। अरे, अरे बेटा तेरे को कारखाने को जाओ बोले तो ये गुला खिला रहा तू? बाबा आख कर देते मालूम हुआ तो। कबड्डी 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 याद है? चिन्ना तुम माल लपटो, मैं ये दोनों को लपटता हूँ। अब आया लोग रपस में, आज तो ये लोग का बदला निकाल के छाऊंगा। हमको धोखा देते कबड्डी का बदला? गांव वालों, ये लोग आप लोगों को चुतिया बना रहे। ये फालतू तावीज इसमें कुछ भी नहीं है, मारो। अच्छा बच्चों, 15 अगस्त की तैयारी है, बोलो ये गाना कौन सिखा है? सरदार भाई हमारे टीचर सिखाए। ओफो टीचर, ये गाना ऐसा भी है मालूम है फिल्म में? दिल दिया है जान भी देंगे ए सनम तेरे लिए। आपको तो बस बहाना चाहिए, बच्चों को उतना ही सिखाना चाहिए जितना बच्चे समझते हैं। टीचर हम सब समझते है, हमारे पापा मम्मी को ऐसा करके बुलाते है। देखिए टीचर आजकल के बच्चों को। सफुरा ऐसे नहीं बोलते। टीचर आप इनको सरदार भाई का गुना बुलाते हैं। ए बच्चा लोग अपने जबान को स्पीड ब्रेकर लगाओ। ये लो चलो आ गया तुम लोगों का घर। इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। तुम लोग अपने आप को बड़े शेरा समझते, अजी असली सवा शेर तो वो शाह साहब निकले। सब ये शुक्र की तरफ से हुआ, छोटा भाई पैसे छिनवाता, बड़ा भाई जूते खिलाता। बाप भाई वो तो कबड्डी का बदला था, नहीं बोल तू ही मेरा छोटा तुम्हारी सोबत में बहुत खराब हो जा रहा। ओहो बहुत छोटा है तेरा, है छोटा थाली बन के फिरता, उंगली दिए तो निप्पल समझ के चूसता। निप्पल चूसता? वो तो तुम्हारी गलीज ट्रेनिंग का नतीजा है। ऐसा? अगर मैं ट्रेनिंग दिया ना इसको, देख क्या बोलता, भोग क्या था बहु बोल के। मगर बाबा भाई आप जो डबल गेम खेल रहे ना, वैसे में जाली पाना हूँ, हर नट को लगता हूँ। इसलिए खाला मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, वक्त के हालात ने मजबूर कर दिया मुर्गी चुराने पर, अरे वरना हम भी शेर के शिकारी है। क्या बात है? मगर भाई भाई है, मैं सही बोला ना भाई? दुरुस्त है। देखा इसको बोलते कुल्लम कुल्लम। वकटी। हमारी मिसाल वैसी है खाला, वो मेंढकों की जैसी, एक चढ़ा तो दूसरा टांग पकड़ के खींचता। ना खुद चढ़ता ना दूसरों को चढ़ने देता, सही बोला तू। मिसाल तो अच्छी दी है बाबा भाई, फिर भी सबक कोई नहीं सीखे। भाई बच्चों से जूते खिलाया इनको, फिर भी नहीं सुधरे, देखो। नहीं बोलना यार ऐसा,
तुम्हारे से बड़े बुजुर्ग है ना इनो, तुम लोग आपस में मिलजुल के कहीं को नहीं रहते यार। वो मिलजुल के रहे तो क्या नहीं कर सकते भाई, ये हाथ को देखो, पांच उंगलियां जब मिल गए ना बन जाती है मुट्ठी। अगर इससे एक मारे ना क्या होता मालूम है? चलो सब हाथ पे हाथ रखो। शुक्र भाई नो डबल गेम खेल रहे भाई, तुम बोरे बोल के रखना तो नहीं रखता था। इसी तरह तुम लोग मिलजुल कर रहना क्योंकि एकता में ही ताकत है। भाई भाई मैं एक शेर बोलते। हाँ, बोलो। मेरे डैडी बोलते थे, अपने अपने मजहब में अपना कत घट जाएगा, अब देखते हैं अपना देश कैसे बट जाएगा। हिंदू मुस्लिम दोनों हैं एक कैची के दो पहलू, जो भी बीच में आएगा वो कट जाएगा। क्या बात है जिन्ना, जियो मेरे लाल। बस 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 यहाँ रोक दो बाबा। नहीं नहीं इधर रोक दो। बस बस यही जाना है। हाँ जी यहीं रोको। उधर जाना है बोले ना? नहीं उधर जाने छोड़ देता हूँ बाबा, पैसे नहीं हमारे, छोड़ देता हूँ। बस चले जाते हम ना पैदल, चल गए जल्दी चल, बच्चे घर में भूखे होंगे। दस रुपए दो। हाँ दे दे कौन आ रहा। सीधा चला कौन रे साला, वो गाली दिया तो नहीं? क्या बोला रे अब, दमे तो सामने बोल साले। आराम की औलाद बोला, नहीं पहचाना मेरे को, क्या हुआ? चलो चलो रे, शंकर यादव के बेटे को नहीं पहचाने साले, काट डालता हूँ साले। तेरे को नहीं मालूम शायद, गोल्डन डियर बार एंड रेस्टोरेंट, शंकर अन्ना का बेटा हूं। लच्छू यादव, लच्छू यादव बोलते समझा? मेरे को गाली देता तू? मेरे को तो मालूम है तू शंकर यादव का बेटा है, लेकिन शंकर अन्ना को कैसा मालूम इन्हें उसका बेटा है बोल के? सुवर का पिशाब पी के साले हम शेर पे हमला। अरे हाथ पे साले हाथ, अरे चल, अगर ये खोपड़ी फिरी ना चारों को टपका देता हूँ साला मैं। चलो जी चलो घर के, जाओ रे जाओ बोलाना, जाओ बोलाना रे। क्या करता रे, नहीं गया तो क्या हो रहा रे? क्या करता, क्या करता रे? हट है रे, जा रे साले, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, पुलिस को देख के तंदरा साले। दिखा रे दिखा, तेरी हवा दिखा। अरे मेरी हवा तू क्या देखा रे? मेरी हवा क्या देखा तू? इसको पूछने बोलता, पीएस में मेरा इतना चलता, मेरा दिल बोला ना तेरे को दिन दिवाले बुला के मुसल घसने लगा दे तू। अरे इसको बिछा दे रे। अरे साले अरे अरे समझा दे रहे हो तुम लोगों को, देख मैं खाली पीली कैसा भूख हो जाते थे, निकलो यहां से। मेरा है चलो, तू जा। अरे तू जा रे, तेरे को बता तू साले मैं क्या हूं, तू क्या साले दस बाप की औलाद। चलो रे अरे छोड़ो साहब मेरी गलती। चलो यार तुम बैठो, तुम चल मैं। अरे मैं बात करो ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। ओ साहब ये पुलिस वालों को, ये अमीरों को जो है ना, हम ऑटो वाले जो है ना नरम मिलते, देखता हूँ साहब ऊपर वाला है। हम ऑटो वालों का यही है, गरीब का गुस्सा अपनी झोली पे। बात तुम पता की बोले मेरे भाई, ये सब पढ़े लिखे लोगों के बात है, हमारे को कहाँ समझ में आते हैं सब बात। हम तो ठहरे जाहिल, अलीफ का नाम भाला मालूम। अरे भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ ना, फिर भी ऑटो चला रहा हूँ, मेरा यही सच है। दुनिया का सच क्या है सीनू अन्ना तुमको मालूम? अरे चांद भाई, किताबों की दुनिया ख्याली दुनिया होती, और ये दुनिया एक भैंस है, भैंस जिसकी हाथ में लाठी होती ना भैंस उसी की होती, और एक बार लाठी हाथ में आ जाने तो मेरे भाई साले सब सुधर जाएंगे। अन्ना राशि पहरीदार का है ना? अब्बा मजा आ गया रे, पहली धार है ये, मरने के दरवाजे का पहला द्वार है ये। अच्छा गाड़ा बना बोल रहे, अच्छा है और थोड़ा किक मारे ऐसा बना बोल। बाबा गारू आप गुड़म्बे का पहला धार डेली चेक करते, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। अमर दी कस्टमर अगर मेरा दारू पी के मर गया तो कस्टमर टूट जाता ना रे, उन्हें मरना नहीं जिंदा रहना, हर रोज पीते रहना, हल्लू 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 मौत के करीब जाना, बाकी काम यमराज कर लेता रे। वो सिकंदराबाद के बार की डील हो गई, हनुमंतू राजी हो गया,
कैसा राजी ने होता रे? शेरीफ आदमी अगर हमारा धंधा करो तो हम कहाँ जाना रे? वो हबीब नगर कंपाउंड का हिसाब किताब क्या हुआ रे? मैं चेक कर लिया बाबा गारू। मेरे को क्या पढ़ने आता रे इसमें? इसलिए तेरे को लगाया साले, इले पढ़। बाबा गारू, इसमें सिर्फ 4.60 रुपए की गड़बड़ है। 4.60 रुपए का गड़बड़? इतना बड़ा स्कैम, मेरे से धोखा? रे मेरे को धोखा देता? मैं चार आने जमा करके इतना बड़ा आदमी बना रहे? चल मर साले मर। अरे छोटू, हाँ ना, ले साले को बॉडी के पास गाड़ दे। बात सिर्फ चिल्लर की थी ना बाबा गारू? गलत बात, 4.60 रुपए की नहीं है। मेरा डर निकल जाता रहे, आज 4 रुपए चोरी कराए ने, कल 4 लाख रुपए चोरी करता। डर रखना पड़ता रे, नहीं तो कोई भी आके कान में मूंद देता। अर्धम हिंदी बाबा गारू। अरे लच्चो ना बिड्डा, रा 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 रा, मेरा बेटा लच्चो, आ बेटा। अरे 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 क्या रे, डल दिख रहा क्या हुआ रे? अन्ना लच्चो ना की एक ऑटो वाले से भेज दोगे ना? बहुत बोल दिया अन्ना उन्हें। कौन है रे वो? शंकर अन्ना के बेटे को रख दिया उन्हें? हाँ लच्चू, तू मेरा बेटा है रे, शंकर अन्ना का बेटा है रे तू। जा अब भी जाके गर्दन काट के लेके उसका। नहीं ना, अंतल का जिसका रख मुझे ना मकर निक सुपिया, अब भी जाके साले का गर्दन लेके आ तू। जा चलो रे, मार दे साले को, नहीं तो भागी बन जाता हो। बागी बहुत खतरनाक होता है, जान देता है नहीं तो जान ले लेता है वो। क्या बात है मेरे बच्चे, आजकल तू बहुत उदास उदास रह रहा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जा खदीर और बाबा के साथ मिलके बैठ, हंस बोल, तेरा दिल बहल जाएगा। नहीं अम्मी, आजकल कहीं भी दिल नहीं लग रहा मेरा। अच्छा तो फिर शादी कर ले, जोरू आएंगी तो तेरा दिल भी लग जाएगा। जो भी रिश्ता समझ में आ रहा, कमीने अपने औकात से ज्यादा मांग रहे। बेटा क्या पैदा हुआ, लॉटरी लग गई समझ रहे? अम्मी आप पहले से ही दिल की मरीज है, आप इतना मत सोचिए। कोई पढ़ी लिखी बच्ची, अच्छी बच्ची मेरे से शादी करेंगी क्या? मैं 2 वक्त की रोटी से ज्यादा और क्या दे सकता हूँ अम्मी? अम्मी लड़का मेहनती हो, 2 वक्त की रोटी दे और तन ढकने के लिए कपड़ा दे, तो एक औरत को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरे दीवाने दीवाना हो गया तू, जवानी में जवानी के सहारे हो जवान। अरे हर बच्ची को ऐसा ही हम सफर चाहिए। अपने जीवन साथी का जी भर प्यार मिले तो मैं गरीबी में भी अपनी जिंदगी हंस कर गुजार लूंगी। अरे दौलत का क्या है रे, दौलत तो औरत के कदम से आती मर्द के पास, समझा तू? बेटा तेरे कदम से दौलत, उसके कदम से औलाद, जिंदगी का क्या है, जैसे तैसे गुजर ही जाती है। सुन रहा मेरी बात? दाल में कुछ काला है। देखना कोई तो जरूर आएगा जो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में मुझे अपने घर ले जाएगा। आप सिर्फ मैडम मैडम ही करते रहेंगे या आगे भी कुछ बोलेंगे? लड़की कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करती। लगता है मेरे कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी, अब सेहरा बनने का टाइम आ गया। तो फिर आप मेरी जिंदगी में जल्दी चले आइए। सुमैया जी, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं मैं? सबसे पहले आप हमें सुमैया जी मत बुलाइए, ऐसा लगता है कि मैं आपसे बड़ी हूँ। तो बात मैडम ये है कि आप मेरे साथ पिकिन मूव में आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? मेरा मतलब ये है कि आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती है। सबसे पहले आप हमें सिर्फ नाम से बुलाइए, चलिए सुमैया बोलिए। हाय ला, मुझे शर्म आ रही है सोमू। आप तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं सोमू। अच्छा है। पहली बार है ना? हाँ कौन है देखो तो। कौन है? छू लच्छू। क्या है रे साले, तू कल बोती बोल रहा था सरदार? कौन तो भी है ये? अबा। अरे देखिए तुमला, ऑटो वाला रे के जबरदस्त आइटम को फटा के रखा ही रहे। ए साले, गुद्दे में से जबान खींच लूंगा साले तेरी, औरत है, खामोश बैठ रहा हूँ साले। अरे तू सामने नकवा, तू सामने नकवा, तू गरीब गरीब नकवा,
गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। भाभी भागा भागा के मारेंगे आज। ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए। कट्टा मीठा दही ले लो, दही मुन्नी बाई का दही ले लो। दही गिर गया, पैर में फिसल गया। आई तो तुझा माइला अंधा हूँ, कोई संदे को घर तक छोड़कर आओ। अरे अरे गफूर, तुझे क्या हुआ? कल तक तो तू ठीक था। कल तक तो मैं ठीक था। माँ ने कहा था बेटा किसी को आंख उठाकर मत देखना। जब से आंख उठाकर देखा तो हाथ भी अंधा हो गया। जरा घर तक छोड़ देना था। चल ठीक है। अच्छा अरे 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 मुन्नी जरा टहरो, आज खुशी का दिन, हमारा जन्मदिन। अच्छा एलो एक चॉकलेट तुम लो। ए गफूर एक चॉकलेट तुम भी लेना था ना इसमें से। बहुत गर्म दिख रही चॉकलेट। आते डाल रहे मुंह में डाल रहे ठंडा हो गया है कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे आग की तरह। चिन्ना ये क्या हो रहा मेरे भाई के साथ? ना इंसाफी हो रही। मेरा भाई आँख खो दिया और उसके साथ मजाक उड़ाया जा रहा। मुन्नी तुम भी गलत काम कर रही हो। कुछ नहीं करी रे बाबा। ए, मैं लेके जा देना। जरा है मुन्नी चिन्ना जरा देख के जा बेटे, तू भी गिर जाएगा। आज सोच तुम्हारा को सजा दूंगा ना, पूछो क्या सजा दूंगा। चला तू जो बोलेगा कर लेगी मैं। 21 दियो। हाँ उस काम के लिए अभी हम जिंदा हैं। पेट ले निकल यहाँ से, चल निकल। चल अब एक झप्पी दे दे। झप्पी? बाबा भाई तुम भी क्या हो रहा है मुन्नी? ये सब पप्पी झप्पी। मैंने क्या किया? ये चारों लोग मेरी पप्पी लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते और एक तू है के? बोलना फ्री में दूं क्या तुझे पप्पी? गले पड़ू। तू जब भी यहाँ आती ना बस्ती के बच्चों को बुड्ढों को भी खराब करी। तू जा यहाँ से, चल धाई का कुंडा उठा, चल चल उठा, चलो उठा के जाओ यहाँ से। और सुन आइंदा तू बस्ती में आई तो तमीज से रहना, समझी? दही ले लो दही। अरे ऑटो रुको रुको रुको, कहाँ जाना है साहब? रेलवे स्टेशन चलता भाई। हाँ बैठो। ओके थोड़ा जल्दी चलो भाई। साहब एक बात बोलूं साहब? हाँ बोलो। आपकी हाइट बड़ी अच्छी है साहब, आप दिखने में पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं साहब। थैंक यू, मैं पुलिस वाला चू। मैं सही पहचाना नहीं साहब। और एक बात बोलूं साहब, मैं आपकी शक्ल हिंदी फिल्मों में आते देखो, मुकेश ऋषि उनके वैसे दिख रही साहब। सब लोग ऐसे ही बोलते। अच्छा साहब आप ऑटो में कैसा? पुलिस का गाड़ी पंक्चर हो गया ना, मेरे को रेलवे स्टेशन पहुंचना है इसलिए ऑटो में बैठ गया, थोड़ा जल्दी होना यार। साहब आप बेफिक्र रहो साहब, जिस तरह फिल्मों में जो है ना पुलिस लेट पहुंचती ना, उस तरह यहाँ ट्रेन भी जो है ना लेट आते साहब। ठीक है बाप तू आगे देख। साहब सॉरी साहब, आप कुछ बोर तो नहीं हो रहे ना साहब? भाई कुछ ज्यादा ही बोल दिया नहीं? लगता फिल्म में बहुत देखते हो तुम। साहब आपको कैसा मालूम, हर जुम्मे को सेकंड शो नई फिल्म पक्की। कितनी क्लास पढ़े हो तुम? 4वीं क्लास फेल हूँ साहब। इतना काय को पढ़ लिया भाई तुम? इस वास्ते ऑटो चला रहो ना साहब। और एक एक पते की बात बोलूं साहब? हाँ बोलो। साहब आपके चेहरे से आप एक ईमानदार पुलिस वाले दिखते। वो कैसे? साहब आपके चेहरे पे जो है ना वो चमक बता रही साहब, आप ईमानदार है सो। बस बस राइट ले, राइट राइट ले लो, बस 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 आ रोक तो बस। वाह कमाल का आदमी है भाई, बहुत कम बोलता तू। हाँ कितना पैसा हुआ? साहब आप मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा साहब। काई को? इसी बहाने तो आप मेरे को याद रखेंगे ना साहब। तुम आदमी बड़े मजेदार हो यार। थैंक यू। सलाम साहब। फिर मुलाकात होगी। अरे यार भाई भर के पानी टैंकर लेकर चले जाता हूं। अरे 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 लाइन में डरा हूं मैं, लाइन में जा रहा हूं डरा हूं मैं। अरे तुम भी आ गए। अरे एक खड़ा पानी लेने तो यार क्या हुआ बाबा, भूल गए कल दावत में आते सो? हां तो क्या करना, दावत में बुलाए तो क्या एहसान करे। अरे ठहरो एक मिनट। हां क्या बोल रहे जी तुम, कहीं की दावत की बात कर रहे? अरे दावत करे तो क्या एहसान करे, दावत क्या एहसान को दिए? 21 रुपए का लिफाफा ले लिए, भूल गए क्या? बात करे कहते दावत,
एहसानों को दावत कर रही, तोहफों के वास्ते शादियां कर रहे हैं। असल में ये लाओ, अंगूठी लाओ, वो लाओ, शादी खाने दूर दूर रख के शादी खाना सही भरो नहीं भरो तुम्हारा बोलना नहीं। असल में तुम लोगों को होना है वो। अरे यार जो बता दो देख ले तो मैं भी यहां क्या बोल रहा हूं। मैं भी यहां हटो जी। हमारी मंजिल तो आ गई। अजी आपकी मंजिल जहाँ जहाँ, हमारी मंजिल वही। क्या मतलब? अरे अब्बी चाप बोले ना, अम्मी से शादी की बात करो बोल के। किसकी? हमारी। हाँ इतनी जल्दी? बुजुर्गों ने फरमाया कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, चलो। अरे रे रे रुको तो देखो, सही अपन गिराक आदमी है, अपने को ये सब नहीं होता, समझे ना। पहले मैं जाती हूँ। अम्मी, अम्मी कहाँ हो आप? अम्मी क्या हुआ? अम्मी आपको दर्द लगता है? अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। अल्लाह चाहे तो या अल्लाह खैर करे। हाँ अम्मी हिम्मत रखो, अम्मी कुछ नहीं होगा। अम्मी 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 हिम्मत रखो, कुछ कुछ भी नहीं होगा। अम्मी कुछ भी नहीं होगा। लच्छू अन्ना छोड़ दो अन्ना, पेशेंट है अन्ना। अन्ना उसको हाड़ आया अन्ना, तेरी दुश्मनी मेरे से है ना। लच्छू छोड़ दे अन्ना, प्लीज जाने दे अन्ना मेरे को। सुवर की औला मैं अन्ना। क्या बोला था तू? प्लीज छोड़ दीजिए, हम लोग को जाने। माल के साथ परसों बैठ के बहुत मजा मार रहा था तू। हां कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं साले। लच्छू लच्छू यादव बोलते हैं मेरे को, जलसा आज तो तू गया रे आज। अन्ना ऐसा मत करो अन्ना, इसके माल की अम्मा की तबीयत खराब हो गई तो गिल गिलारा साला। माल तो बहुत झकास पटाया भाभी ने। छोड़ दे तेरे तेरे को, तेरे माल को हम चारों में। अरे मर जाएंगे रे तुम लोग। मेरे को छोड़ दे लच्छू, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ लच्छू। मेरे को अब जाने दे रे भाई। अरे लच्छू खींच रहे इसको। अरे जाने दे रे भाई, तबीयत खराब हो रही है, जाने दे रे भाई। साथी एम जादा हमरा इनी। अरे वनकार जल्दी आ रे, मठी ला दिया रे ने। सरदार अम्मी अम्मी सरदार
अपना जुर्म कबूल कर ले साले। बोल, तूने लच्छू यादव को जानबूझ के मारा है? मैं कितने बार बोलूं साहब, मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। अगर मैं उसको नहीं मारता साहब तो वो मुझे खत्म कर देता था साहब। तो मर जाना तारे साले तू। ऑटो चला के कौन सा खुश है रे तू? मेरे बेटे को मारा रे तू, मेरे बेटे को मारा रे तू। अरे शंकर अन्ना, मेरे घर में अम्मी अकेले है शंकर अन्ना, उसको कौन देखेंगे शंकर अन्ना? मुझे छोड़ दो शंकर अन्ना साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब मौत के करीब होते रे, गरीब के हाथ उठाने के वास्ते नहीं मंगने के वास्ते होते। मेरे बेटे से मार खा लेता तो क्या होता था रे? मेरे पास आना था, मैं तेरे को इलाज के पैसे देता था। मेरे बेटे पे हाथ उठाता रे तू, वो तो दुनिया से उड़ गया ना रे। तेरी इतनी औकात दे रे? मेरी औकात मेहनत से है, पसीना टपकाने से है, हक्को हलाल के पैसे कमाने की है। और तेरी औकात हराम की कमाई की है। हराम की कमाई में ताकत नहीं होती सेठ। अरे मेरे को हराम का बोलता रे तू? तेरी तो वो हालत करूंगा साले, तू पैदा कहीं हुआ सोचेगा? हराम के जेने, हराम का जना मेरे को बोलता, तू और तेरा बेटा हराम का। बात चुप। गाली देता रे शंकर अन्ना को? गाली देता? मेरे अंदर बहुत चर्बी है रे, अब भी निकालता हूँ तेरा चर्बी को। गंगा, इसको मार मार के रबर के जैसा बना दे। तू क्या मेरी जबान से झूठ बुलवाएगा रे? तू खुद झूठा बेमान मक्कार आदमी है। फू। हाथ अच्छा याद दिलाया, आज के बाद तेरे हाथों से ना खाएगा ना धोएगा। रे पाशा, खोल दे इसके हाथ। रे हवलदार, प्लेयर लेके आ रे। छोड़ो, ओ मैं बचा, पकड़ो रे इसको, हटाओ, छोड़ो। सरदार भाई, अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, सरदार भाई को अंदर डाल दिए। अरे क्या तो भी है तरीका है इंस्पेक्टर साहब? ये खामोश, ये कोई दीवान खाना नहीं है, पुलिस स्टेशन है। बोलो। मेरे को नवाब शाह साहब बोलते हैं, मैं सरदार की जमानत कराने आया हूँ। शाह साहब, केस फाइल हो चुका है, जो भी आपको कार्रवाई करना है अदालत से कीजिए। तुम्हारे चेहरे से रिश्वत खोरी की बुआरी इंस्पेक्टर, और हम देख रहे हैं। नवाब साहब, तुम्हारा पोजीशन का रिस्पेक्ट करके खामोश बैठा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग गरीबों में जुल्म कर सिवा और क्या कर सकते? इंस्पेक्टर साहब, सरदार भाई को छोड़ने कितने पैसे होते बोलो, दे देंगे। वैसे आपकी सूरत देखे तो मालूम हो रहा आप कितने रिश्वत खाए। तुम साले कमजोर लोग, अपने औकात देख के बात करो, मेरे को खरीदते रहे, दफा हो जाओ। चलो शाह साहब, ये जुल्म के कारखाने से रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। नू पब्लिक सर्वेंट सर, नीति तप्पुतुन्नारु सर। ये अब्बा साले, ये लेरा कोटेस्ता, एवरिकी रायल चूपिस्तुनो, पुलिस स्टेशन इदी। अब मेरी एक बात सुन लो इंस्पेक्टर, तुम शंकर से मिलकर एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो, और मैं अदालत के जरिए तुम्हारे इस पिंजरे से सरदार को उड़ा के ले जाऊंगा। खामोशी से चले जाओ यहाँ से। अगर मेरा बेजा खराब हो गया ना, तो पूरों को अंदर डाल के ऐसा टोकूंगा, ऐसा टोकूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो मियाँ, चलो यहाँ से नवाब साहब, चलो। कोई क्या बोला? चलो चलो इंस्पेक्टर साहब, एक बार बात कर लेते तो हो जाता था। अखला गरम हो गया यारो। नहीं अब्बा, इड़के लो सर रही लो। रे शिवा, सिगरेट इसका आप हो। रे यवर राले लोबर रानी चिंदी। और तमाम गवाहों के बयानात को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शेख मोहम्मद सरदार वल्द मरहूम शेख मौला को अपने बचाव में शंकर यादव के बेटे लच्छू यादव को कत्ल करने के इल्जाम में सरकमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर ये अदालत शेख मोहम्मद सरदार को 1 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न।
अरे छोटे तीन चाय ले के आ रे, इधरा शुरू हो गई उधारी। अरे चुप बैठो सिराज भाई, पहले कैश तीन चाय के 9 रुपए देना है, ऊपर से उधार। कम से कम गरीब बच्चों को तो नको लूटो। काम काज कुछ भी नहीं, अट्ठा चंबा जुए और खाली फुकट के चाय। आप तरक्की कहाँ से होती? सुमैया बेटा, कब तक यूँ गुमसुम उदास बैठी रहेगी मेरी बच्ची? कम से कम बच्चों को बुला के उनको ट्यूशन पढ़ा ले, इस तरह तेरा दिल भी बहल जाएगा। खाला, अम्मी के गुजर जाने के बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस दुनिया में मैं अकेली कैसे जीऊँ? तो ऐसा कहीं को बोल रही बेटा, मैं तो हूँ ना, बरसी करके जाऊंगी, फिर आते जाते रहूंगी। क्या करूँ बेटा, मेरा भी घर है, बहू बच्चे, उनको भी तो देखना है ना। मैं आपको रोक भी तो नहीं सकती, शायद अकेलापन ही अब मेरा नसीब बन गया। ऐसा नको बोल बेटा, तेरे नसीब का जोड़ा तुझे मिल जाए फिर तू भी जी उठेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप? खाला ये सरदार है। अच्छा ये वही सरदार है, कैसे हो बेटा? शुक्र है खाला, मैं यहाँ पर आया आपसे कुछ मांगने के। हमारे पास क्या है बेटा देने को? सुमैया, उस दिन भी मैं जब आया था सुमैया की अम्मी जान से मिलने के लिए, लेकिन जो है ना ये सब हादसे हो गए। होनी को कौन टाल सकता है बेटा। सुमैया तुम क्या चाहती हो? बरसी के बाद मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी, लेकिन जहेज का कैसा बेटा? मेरे को एक जोड़े में सुमैया चाहिए, मेरे को सुमैया दे दो ना खाला। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचे तो कितनी बच्चियों का भला हो जाएगा। ए मुन्नी, तू मुन्नी मैं चिन्ना, तेरे को देखे तो मेरे दिल में सीटी बजता, मुझसे शादी करेगा? कर लेना के। मोना, मेरा मतलब मुन्नी, प्लान के मुताबिक आज मेरे घर के दरवाजे में कोई नहीं है। मैं चाह रहा था कि तुम आकर मेरे भी कपड़े धो देना था ना। क्या तो भी हो रहा, वो कहीं को सता रहे उसको। मुन्नी जरा मेरी लुंगी तो धो के दे। ए अपनी बीवी से जाकर दुला, चल जा। अरे मेरे पास जोरू रहती तो मैं तेरे पास कहीं को आता था ये। मुन्नी डार्लिंग क्या कर रही तू, कपड़े धो रही क्या? नहीं, बिरयानी पका रही, आ खा। बिरयानी तो अब तेरे को खाना है, वो भी सरदार भाई की शादी की। बहुत डोरे डाल रहे थे ना उनके ऊपर, बहुत पटाने की कोशिश करे, खत्म। अब सपने क्या करो मालूम, ऐसा खस्ते हुए निकल जाते तुम्हारे, समझे? अरे लुट गया मैं तो, बर्बाद हो गया मुन्नी तेरे पे। चलना मेरे साथ। अरे चल हट। क्या हुआ भाई, गर्मी बहुत हो रही, खाजे साहब नहीं आए अभी? क्या बोलूं सरदार भाई, हर शादियों में ये खासियां लेटा रहे आजकल। वो सीजन चल रहे ना भाई, 5-6 करा के आ रहे छुंगे। हमारा शादी में सबसे पहले पंडित आते। हाँ। आदाब, आदाब। अस्सलाम वालेकुम खाजी साहब। आइए आइए तशरीफ रखिए, राटो में आ जा, सटो बैठिए बैठिए। मुबारक मुबारक सरदार की अम्मा, मुबारक। मुबारक। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, मुझे न छू न तू, अंगार मेरी जवानी, आ मेरी
मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच। ओ मेरी जाने जिगर मुझको है ये खबर दिल में तेरे है प्यार होठों पे नहीं मगर आंखों में तेरी नजर आता मुझे इकरार मेरे सनम मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच। नाच पलाच मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच नाच पलाच मेरी झुमके नाच। पत्थरगट्टी के मोइज भाई शुरू से आखिर तक बताए थे, सब भूल गया जी। अब याद आ गया। अरे रे 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 रे। ओहो ओहो माशाल्लाह, ये चेहरा पूरी जिंदगी ऐसे ही खिला रहे, और इस चेहरे को देखते ही मेरी दिन भर की पूरी थकान उतर जाए। अजी ये मुंह दिखाई। वैसे क्या नाम है आपका? आपको नहीं मालूम? मालूम है फिर भी रिवाज है कते, वो पूछना जरूरी है कते। कौन बोले? जिनकी शादी हो गई वो सब लोग बोले भी बताए भी। क्या मतलब? अरे आप तो पढ़े लिखे है ना, आपको सब मालूम होगा। मेरे को तो ये सब कामों से शर्म आती भाई। हाय हाय, आप ऐसा करे तो कैसा? जी मैं नहीं शर्मा रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एकदम फिट हूँ। तो फिर आप कांप क्यों रहे हैं? वो क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा भी चल रहा, हवा कहीं को नहीं आ रही। सोमो तुम खुश तो हो ना? आपकी सोमो आपके साथ अपने दो जोड़े कपड़ों में भी अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। आपका प्यार मिले और मुझे क्या चाहिए? सोमो मैं तुम्हारे को बहुत खुश रखूंगा, तो फिर मैं इजाजत चाहता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप? अरे रे 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 रे, थोड़ा देर हो गया रे। हो गया तेरा सुहागरात? अब चल साहब। हवालात की हवा? हाँ मेरा जुर्म क्या है साहब? कितनी बार बोला तेरे को पुलिस वालों से सवाल नहीं पूछते, सिर्फ सवाल का जवाब देना। साहब मैं अब कोर्ट से भी बरी हो चुका हूँ ना साहब, फिर मेरे को कहीं को पकड़ने आए साहब? ए आवाज बंद कर चल। रुको साहब, आप ये गलत कर रहे हैं साहब। हाथ हटा। साहब मेरा जुर्म क्या है साहब? जुर्म पूछता मेरे को? साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? पुलिस वाले को मारने का जुर्म में तेरे को सजा। अरे मैं कहाँ मारा साहब? साहब साहब मैं नहीं मारा ना साहब। उसके साथियों को भी लेके आओ। या अल्लाह ये क्या हो गया? आवाज नहीं, खामोश। तुम पैसा ना, ना तो बेटू डावरा।
पहलवान आ रहा ये मन गुन्ना रंगा मैं पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूँ रंगा लेकिन तू यहाँ वर्दी का गलत फायदा उठा रहा रंगा दल छूटे वक्त का सेकंड एनकाउंटर जैसा बहुत पछताएगा रंगा अभी कुछ नहीं हुआ बॉस टॉर्चर करके मारना है तेरे को अच्छा मारे मेरे बेटे को मारता रे मुसल कैसा होगा बेटा जुर्म पूछता पुलिस वालों से बहस करना ही सबसे बड़ा जुर्म है रे नए दूल्हे की क्या हालत बनाए रे रंगा घर बसने के पहले ही उजाड़ दिया रे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का तू फिकर ना को कर तेरे घर को तेरी बीवी को मैं संभाल लूंगा रे अंदर तो ये सैंपल है आगे देख क्या क्या होता पुलिस पर हाथ उठाने और मार पीट करने के जुर्म शेख मोहम्मद शुकुर और बाबा को 8 महीने की सजा सुनाती है अगला केस अम्मी तुम अच्छे तो हो ना अम्मी हाँ हाँ मेरे बच्चे मैं ठीक हूँ मैं वक्त पे दवाइयाँ भी खा ले रही हूँ मेरे को कुछ नहीं होता मेरे बच्चे तू देख तू कितना दुबला हो गया देख कितना दुबला हो गया मेरा बच्चा मेरा छोड़ो अम्मी मैं अच्छा हूँ एक बात तो मैं तेरे को बताना ही भूल गई खुशखबरी है तेरे वास्ते क्या खुशखबरी है अम्मी तू बाप बनने वाला है और मैं दादी बनने वाली हूँ ठहरो बाबा एक मिनट चलते बेटा टाइम हो गया खते अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज अजी तुम अपना ख्याल रखो तुम भी अपना ख्याल रखना रंगा तू पहले भी बोला मेरे को उसकी शादी ना होने दूंगा बोल के उसकी शादी भी हो गई अभी बच्चा होने वाला कहते नहीं होगा ना अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएगा वो क्या करता कि क्या की तेरे बाता बड़े बड़े काम सड़े सड़े रहे तेरे भाई काली देखते जाओ ना मैंने पूरा प्लानिंग सेट कर दिया साले को लकड़ी के जैसा चिल दूंगा लकड़ी के जैसा निकल यहां से साले चल क्या रे भाई अबे खुल गए ये जंगली सुअरों के ओसा क्या खोद रहा बे शेर को ललकार रहा साले बोल तेरे को कौन ले जा रहे साले छोड़ूंगा तेरे को बता Hey, Nara!
गया रे साले। अरे अरे सरदार छोड़ो, अरे गाय के वजह से साले तेरे को होना बोल के फंसा रहे लोग, तू आजकल में घर जाने वाला है। अरे मुबारक हो, तेरे को जुड़वा बेटे, फिर जुड़वा बेटे, समझा? तुमको भी मुबारक हो। अल्लाह का करम है, जीते रहो बेटे, जीते रहो। बच्चे इतने प्यारे हैं, बच्चे प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और तेरी जोरू भी अच्छी है, सेहतमंद है, तू फिक्र नको कर। शुक्र है अल्लाह। हाँ, एक वादा तू आज करना मेरे से, देख नहीं तो भी तेरा ये गुस्सा बहुत खराब है, ये गुस्सा कम कर बेटे। लोग आके तेरे को उछालते तू उचक जाता, जोश में आके जो बोले वो कर डालता। आज के बाद मैं किसी के खिस्सों में नहीं जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी होगी, अब मेरे दो बच्चे हैं, आप है, मेरी बीवी है, ऑटो चलाऊंगा, सुकून से रहेंगे। अम्मी बहुत अच्छे, तेरी जबान आमीन हो। बच्चों को दिखाओ ना, बच्चों को भी नहीं दिखाते, जरा पीला है बोल के कांच में रखे, छह घंटे के बाद दिखाते बोल के बोल रहे। अच्छा मैं पूछ के आती हूँ, डॉक्टर से पूछ के आती, दिखाओ जरा एक नजर दिखाओ बोल के बोल तो दिखाते बोल तो ठीक है। हाँ तू यही ठहर, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। साला मैं तो बाप बन गया, साला मैं तो बाप बन गया। क्या हुआ बाबा भाई? टकला एक नया काम कर दिया भाई। क्या करा? चिन्ना और गफूर को दाल लेके चले गया। क्या करूं बाबा भाई, ये टकले का पीछा ही नहीं छोड़ा, और तुम लोग देखे तो ये नहीं सो एक काम कर दिए, दो बच्चे हो गए यारो मेरे को। अरे हमला कुछ भी नहीं करे भाई, हमला पांडवे पे बात कर लेते खड़े थे, आके दाल लेके चले गए उन्हें, और आपको भेजो बरा ने तोलो पे भी केस कर देता हूं बरा। सही बोलते अम्मी, ये कोई ना कोई फड्डा होते रहता मेरे पीछे, सब मेरे को संभालना पड़ता। जाओ आप अम्मी के पास। तुम लोगों को यहाँ कहीं को लाया रे भाई ने? इन्हें बहुत मारा सरदार भाई, खाली पीली हम लोगों को उठा के लेके आ गया भाई। पाशा साहब, इन लोग आखिर क्या जुर्म करे पाशा साहब, ना टाइम ना टेबल, जब दिल बोला पुलिस वाले उठा के ला ले रहे पाशा साहब। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो तेरे दोस्त हैं, और हमारा साहब बहुत खतरनाक आदमी है, और थोड़ा सा तू झुक जाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। समझाया इसको? इसके अंदर बहुत अकड़ है रे, उस अकड़ को तोड़ना है। इसका कमजोरी इसके दोस्ता है, दोस्तों को मार पड़ेगा तो तकलीफ इसको होगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इनको छोड़ दो ना साहब, आपकी दुश्मनी मेरे से है ना साहब, मेरे को मार लो साहब। इन लोग आखिर क्या जुर्म करे साहब? जुर्म सुना दूं या इनके ऊपर थोप दूं? तो सुन, ये दोनों फुल पी के एक लड़की को चेड़मचाड़ी करे और रेप कर दिए, रेप, रेप केस में बुक कर दिया। ऐसा मत करो साहब, इन मासूमों पे ऐसा जुलूम मत करो साहब। मासूम? मासूम दिख रहे तेरे को ये लगा? ए पाशा, दो निप्पल ले क्या? मेरे को तो दो तपे हुए खुल के दिख रहे, छोड़ते ही कूनम कून कर देते। ऐसा मत करो साहब, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ साहब। तू सिर्फ बोल रहा, कर रहे इच नहीं, चल पैर दबा, बैठ, शुरू हो जा। पहलवान है ना रे तू, जोर से दबा, चल जूता उतार, जूता उतार, उतार जूता। सरदार भाई लक्को, सॉक्स निकाल, नक्को देख देख नक्को, हाँ आराम से, मजा आ रहा रे। देख रहा क्या रे? मेरा तलवे को मसाज कर, हाँ मस्त कर रहा। अब तू क्या कर, तेरा शर्ट उतार के मेरा जूते साफ कर, बहुत दिनों से साफ नहीं करा रहे, बहुत धूल जमा हो गया, समझा बात? नक्को देख, शुरू हो जा, चल। समझ में नहीं आया? नखरे बंद कर, जो बोला वो कर। किसी का मौत हो गया यहाँ पे? खामोश। साहब ऐसा लगता है, साहब छोड़ दो हमारे भाई।
रे देखना बंद कर, शर्ट पहन ले, पहन ले शर्ट। चला बूट, मेरे जूते की धूल तेरे छाती पे लग गई, समझ में आई बात? और एक बात सुन, पुलिस डिपार्टमेंट के नजर में तेरे जैसे गुंडे कीड़े मकोड़े की तरह है। मैं जब चाहूं ऐसा मसल सकता हूं। और सुन इधर आ, तेरी भलाई इसी में है, तू झुके रहना, इतनी चौकाते तेरी, अगर तू फिर रखड़ेगा तो उकाड़ के रख दूंगा। चल निकल निकल। साहब तुमको छोड़ दो ना साहब। जा जा जा, कल सुबह छोड़ देता हूं। जाओ बुलाना। डंडे को तेल पिला पिला के मारा भाई रात भर, पानी सर से ऊपर हो रहा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे को मालूम है, मैं सोच लिया, वो इंस्पेक्टर रंगा का कुछ ना कुछ करो भाई। जय! एक बार मैं जो बोल दिया सो बोल दिया। ए पाकेट बर्रा दी, ए ए इमरा अंगा, बहुत हो गया, आप तेरे से बात करना है, चल चल। अंगा मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ जो तू मेरे ऊपर जुलुम करा, और आज उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। रंगा घर पे कहीं को आया? बात करना है तेरे से। हाँ बहुत हो गया रंगा। क्या है रे, मेरा नाम लेके बात कर रहा? तो सारे कर ले तेरा एक बोते चंपे सौंड। ना चेतला चच्ची बना रही याला। आज तेरे को मार देता हूँ रे। इंस्पेक्टर रंगा को मारने के बाद सरदार रातों रात इस शहर का हीरो बन गया। हर दिन अखबार में उसके किस्से छपने लगे और लोग उससे डरने लगे। लोगों का खौफ सरदार के लिए नशा बन गया। सरदार अपने वक्त को कैश करने लगा। चाहे कोई बिल्डर हो या जोहरी, सबको अपने खौफ से डराता और माल बनाता गया। शहर का हर बड़ा रोड़ी पॉलिटिकल लीडर सरदार से हाथ मिलाता और उसे इस्तेमाल करता गया। మొత్తం బంజారాయిల్ జూబ్లీల్ భూములన్నీ నా చేతుల్లో ఉన్నాయి సర్దార్, నీ అండా, నీ శక్తి జో భీ హే జమీన్ కే అందర్ హే, ఆప్కా తాకత్ మేరే సాత్ రహో తో
मैं आपको रातों रात करोड़पति बना दूंगा। एमपी सत्या साहब, आप मेरे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो मेरे समझ में आ गई, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता फायदे से जुड़ा हुआ। फायदे से बड़ा कोई भी बड़ा नहीं है। आपकी डील मुझे मंजूर है और एमपी साहब रहेगा, फायदे में रहेगा। अभी तक जितने लोग यहाँ पे आए थे उन सबकी वीक पॉइंट और कमजोरियों का कच्चा चिट्ठा मैं एक हफ्ते में लाके आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद कोई भी साला आपके सामने चू तक करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसी काम पे लग जाता हूँ, आता हूँ भाई। ठीक है। हमारे शेख मोहम्मद सरदार। अरे शाह साहब, आप यहाँ आने की तकलीफ क्यों की है? आज वक्त सरदार पर मेहरबान है, मैं चाहता हूँ कि सरदार भी कुछ मुझ पर मेहरबानी करे। शाह साहब, आप बड़े हैं और बड़े हुक्म देते हुए ही अच्छे लगते हैं। आप हुक्म दीजिए। सिर्फ मेरी एक जमीन है, हैदरगुड़े में 7.5 एकड़, लेकिन उस जमीन पर एक लोकल MLA का कब्जा है। वो जमीन आपको मिल गई समझो। बाबा भाई, वो कौन MLA है उसकी तफसील मालूम करो। ठीक है। मैं उस जमीन पर एक स्कूल बनाना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी कौम को सिर्फ तालीम से ही सुधारा जाता है। बहुत नेक इरादा है शाह साहब आपका, मैं आपके साथ हूं। और आपने, फारूखी साहब ने मेरे लिए जो कुछ किया उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। हमारे दिल के दो वाल बंद हो चुके हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मुझे अगर कुछ हो जाए सरदार, तो ये ख्वाब तुम जरूर पूरा करना, वादा करो। अपनी जान देके भी मैं वादा निभाऊंगा शाह साहब, दुआ कीजिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आपने मुझे याद किया। हाँ अशोक, ये रही सरदार की फाइल। सरदार इस शहर के लिए दहशत बन चुका है, दहशत, और पब्लिक उसे हीरो समझ रही है। सर, सबसे बड़े हीरो तो हम पुलिस वाले हैं। खैर, अब मैं आ गया हूँ, किसी को हीरो तो बनने नहीं दूंगा। पहले मैं उसे समझाऊंगा, अगर नहीं समझा तो गाजर की तरह काट के खाता मैं उसे। व्हाट? नथिंग सर। समझने समझाने का टाइम गया अशोक। यू आर राइट। ये हम ही से आंख में चोली खेल रहा है। सर, जितने मशहूर लोग होते हैं उनके छुपने की जगह उतनी ही कम होती है। व्हाटएवर, मुझे हर हाल में ये शख्स सलाखों के पीछे चाहिए। सर, अगर वो मेरी बात समझ गया तो उसकी जिंदगी और बढ़ जाएगी, भागेगा तो उसके छुपने के लिए जमीन भी कम पड़ जाएगी। सर, कैरी ऑन अशोक। सर, पाशा जी। सर, सरदार के बारे में क्या जानते हो? ये ऑटो चलाता था, मुझे मालूम है। इसके ऑटो में एक बार मैं भी बैठा था, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, इसलिए मेरे दिमाग में है। यस सर, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर आदमी है। गोल्डन डियर बार के ओनर शंकर यादव के बेटे के साथ उसका झगड़ा था। शंकर यादव? ये शंकर यादव का बार अपने एरिया में आता क्या? शंकर यादव के इस शहर में कई बार और पब्स हैं सर, और उसका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था सर। और सर, सरदार अपनी सेफ्टी में ही उसके बेटे को मार दिया था सर, और उसको जेल भी हुई। मगर मगर क्या? इंस्पेक्टर रंगा साहब शंकर यादव से मिलकर सरदार को बहुत टॉर्चर किए सर। उसे किसी न किसी केस में फंसाते और PS को लाके खूब पीटते थे, इसीलिए सरदार ऐसा हो गया। पाशा, एक बात बताओ, इंस्पेक्टर रंगा का मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ या सरदार का कोई हाथ? दावे के साथ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता सर। वैसे रंगा साहब ने अपने दुश्मन बहुत सारे बना लिए थे। सर, कोई आपसे मिलने आए हैं। कौन? शंकर यादव आए हैं सर। शंकर यादव, बुलाओ। ओके सर। पाशा, थैंक यू सर। नमस्ते साहब, आपका बहुत नाम सुना साहब। आप पहले वैजाग में थे ना साहब? बिल्कुल सही सुना है। ये लोग कौन? ए, बाहर जाओ। अरे जाओ रे, जाओ बाहर जाओ। मेरे को बहुत चाहते साहब इन लोग, मेरी जान की फिक्र करते साहब। हाय रे मेरी गाजरा, जो लोग दूसरे की जान लेते उनको अपनी जान का भी फिक्र होता ना। आप सही बोले साहब, सरदार मेरे जान के पीछे पड़ा साहब, मेरे बच्चे को मार डाला साहब उन्हें। देखो भाई, केस के मुताबिक तो तुम्हारा बेटा गिल्टी था। अब वो छोड़ो, ये बताओ यहाँ किस लिए आना हुआ? साहब, आपको स्वीट बॉक्स देने आया साहब। साहब मैं बैठ जाऊं साहब? हाँ हाँ, बैठो बैठो। वैसे ये मेहरबानी किस लिए? मेरे बार और कंपाउंड का मामूल नहीं होता साहब, सरदार को पकड़ने के लिए दे रहा हूँ साहब मैं।
किसका क्या करना है क्या नहीं करना ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूं। चलो उठ, चलो उठ। आइंदा ऐसी गलती की ना तो भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ए, तुम जैसे दौलत के नशे में चूर लोग उस ईमानदार ऑटो वाले को भी मुजरिम बना देते हो। मेरे बेटे को मारा साहब, वो इंस्पेक्टर रंगा को भी मारा, पुलिस वालों को भी छोड़ाना साहब उन्हें। अरे तुम उनके बारे में क्यों सोचते है? तुम अपने बारे में सोचो। अगर मुझे खरीदने की कोशिश की ना, ये गाजरा की तरह चबाता मैं तेरे को। चल चल। मेरी प्यारी गाजरा। सरदार एक ऐसा नाम बन गया था जिसे शहर हैदराबाद बरसों तक याद रखेगा। मैंने सुना है तू बहुत बड़ा भाई बन गया है, आज तो पंजा हो जाए सरदार। भीमा, मैं जबी भी ऑटो वाला था, आज भी ऑटो वाला। नहीं, आज तो हो जाए। तू पैसे लेके चले जा भीमा। नहीं सरदार, नहीं, मुझे ऐसी दौलत नहीं, मुझे अपनी मेहनत की चाहिए। जब तक तुझसे पंजा लड़ाकर जीत ना लूं, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने गांव वापस जाना है। भाई चल आ जा। सरदार भाई, 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 जीत गया मैं, जीत गया। देखे तुम लोग, आखिर भीमा जीत ही गया ना। ये ले सरदार, गले लग जा मेरे भाई। जीत गया, गले लग जा। अब खुश क्या हुआ भीमा? सरदार, सरदार मैं जानता हूँ तू हारा नहीं, तू जानबूझकर मुझसे हारा है। भीमा, तू मेरा भाई है रे। तू जानता रे सरदार, मेरे खाने खाने को तक लाले पड़े थे, मेरे गांव को जाने को तक पैसे नहीं थे। तू नाम का सरदार नहीं, तू आगे दिल का ही सरदार है। अरे भीमा, तू मेरा भाई है रे। तू लड़के ले सकता भीमा पैसे, तेरे को पूरा हक है। जा रहा मैं सरदार, जा रहा मेरे दोस्त, मैं तुझे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। जा। आदाब साहब। अरे साहब, आप, आपको याद है साहब, आपको रेलवे स्टेशन छोड़ा था साहब मेरे ऑटो में। याद है, पर उस वक्त तो मेरा मुलाकात एक मेहनती ऑटो चलाने वाले के साथ हुआ था, लेकिन आज मेरे सामने एक मुजरिम खड़ा है। मैं तो अब भी वही हूं साहब, मुजरिम तो आपकी पुलिस ने बनाया साहब। और इसीलिए तूने रंगा का खून कर दिया? ये अब तक साबित नहीं हुआ साहब। सुना तुमने, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब तुम हमें समझाओगे सही और गलत की तमीज क्या है? अरे तुम अच्छे आदमी हो इसलिए मैं तेरे को बोलता हूँ, छोड़ दे साहब। नहीं साहब, मुझे बहुत काम है साहब, मजबूर और बेबस लोगों के काम आना है साहब। ये सब हमारा काम है, हमसे बड़ा बनने की कोशिश मत कर, बहुत पछताएगा। एक बार समझा दिया ना तेरे को, नहीं तो मैं गाजर की तरह काट के खाता तेरे को मैं। चल जा। और सुन, हर रोज इधर आने का, हाजिरी देने का मेरे को, समझा? जी साहब। चल जा। क्या हो रहा, कहाँ जा रही तू? जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। आखिर हुआ क्या है? जिन लोगों के साथ तुम हाथ मिलाकर आ रहे हो ना, वो सब लोग तुम्हें अपनी हथेली में चांद दिखा रहे हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? हर आदमी एक दूसरे से फायदा उठाना चाहता है। कल तक तो कोई नहीं जानता था मुझे, आज सारा शहर जानता है मुझे और लोग डरने भी लगे हैं मुझसे। सारा शहर जिससे डरने लगा है वो मेरा शोहर नहीं है,
जुर्म की दलदल में जो कदम रखा है वो मेरा शौहर नहीं है। ऑटो चला के रूखी सूखी ही सही, लेकिन मुझे खुश रखने वाला वो मेरा शौहर था। और आज जो मेरी नजर के सामने खड़ा है ना, वो कोई गैर मुहर्रम है, और कोई गैर मुहर्रम के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। देख लिया तुमने, जो इंसान मुझे प्यार से सुमो कहता था आज उसके ही जुबान से सुमैया निकल गया। इस एक नाम ने हम दोनों के बीच बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं। मैं ये हराम की कमाई खाते हुए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और हाँ, जिस दिन तुम्हारी आँखों से ये दौलत का पर्दा हट जाए तब मेरे पास आना। मेरे सरदार के लिए मेरी आँखें और मेरी बाहें हमेशा इंतजार करती रहेंगी। सुमैया! सुल्तान, मस्तान, कहाँ है तुम लगा? सुल्तान, मस्तान, लोग भी मेरे साथ। सुल्तान, मस्तान, अरे मेरी बात तो सुनो। अम्मी, आप भी? मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है, मेरा बेटा कहीं चला गया है। वो मेरी बहुत खिदमत करता था, उसका नाम शेख मोहम्मद सरदार था। सरदार नहीं, सरदार नहीं, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। अगर मेरा बेटा कहीं मिल जाए तो उसे मेरे पास लेकर आना बेटा, उसे मेरे पास लेकर आना। मैं उसका इंतजार करूंगी, मैं उसका इंतजार करूंगी। अम्मी! कहाँ जाना है? चलो नामपली चलना है। नामपली बोले तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं तुम? मेरे को मालूम है तुम लोगों को कहाँ लेके जाना है, आप चिल्ला मत, खामोश बैठ। देख मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत कर, मेरे पति सरदार को जानता है ना तू, अगर उन्हें पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा तेरा। कुछ भी नहीं कर ले सकता उन्हें, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे क्या देखता है, पहले सामने तो देख। तो सरदार, अम्मी, मार दो साले को। ए, अरे गफ्फार, डाल साले को। साले, एक मासूम औरत को मारता है इजड़े। रे वॉचमैन क्या रे बदल गया, रोज नए नए को कई को लगाते रे भाई, तुम ना चोरा रहते। नमस्ते, हाँ नमस्ते। ए करेक्ट जूस को आनी, अरे वहाँ उसको कुछ होना कहते पुकार रहा कई को रहे उन्हें। ए बैठ, लेके आके दे दो, जाओ रे भाई जाओ। अरे कस्टमरों को संभालो रे, धंधा नहीं है पहले ही। अरे कौन है रे, देखो रे उसको, अरे कौन तो भी है रे, शंकर यादव के बार पे वार किया। अरे छोटू पकड़ उसको, अरे गेट बंद करो रे, किसको भी बाहर को जाने दो, पकड़ उसको। पूरा शहर छान मार लिए भाई, शंकर यादव का कहीं भी पता नहीं चला, साला किधर अंडरग्राउंड हो गया कि क्या नहीं, वही तो पता नहीं चल रहा ना भाई। अरे सरदार भैया फिकर न करो, अपने पूरे पट्ठों को फील्डिंग पे लगा दिया भाई। कानून मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं शंकर यादव को नहीं छोड़ूंगा। शंकर, तेरी मौत ही मुझे एक सुकून की जिंदगी दे सकती है, तू जब तक जिंदा रहेगा मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। पता लगाओ वो कहाँ है, इसकी माँ का मदरसा। सरदार की मां के मरने के बाद सरदार के लोग शहर में दिन दहाड़े खून की होली खेलने लगे। पुलिस प्रशासन सब तमाशाई बने रहे। वो कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है।
सरदार ने जो आगाज किया था उसका अंजाम सिर्फ नाकाम और बर्बाद होना था। सर, सरदार का एनकाउंटर इस मसले का हल नहीं। अगर सरदार अपने आप को कानून के हवाले कर देता है तो हम उन लोगों को भी पकड़ सकते हैं जो उसे यूज कर रहे हैं। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं। सरदार एक आदमखोर शेर बन चुका है। दम है तो मुकाबला करो उसे। दम है इसीलिए तो खाकी वर्दी पहनी है सर, और जब तक मुझ जैसे खाकी वाले शहर में है इस शहर को जंगल नहीं बनने दूंगा। आप मुझे 48 घंटे का समय दीजिए, उसे मैं लॉकअप के अंदर डालता हूँ। तो ठीक है, ढूंढ निकालो उसे। उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा सर, उसके साथ साथ कुछ और जंगली भेड़ियों को भी अंदर डालता मैं। चलता हूं सर। ओके, थैंक यू। राइट कमिश्नर साहब। सर, मुख्तार खान तुम्हें पता है क्या करना है। सर, मिस्टर शंकर यादव आप फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। जी सर। जो काम अधूरा रह गया है उसे मुख्तार खान पूरा करेगा। थैंक यू सर। आप फिक्र मत करें। अशोक रेड्डी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक बात का जवाब चाहिए मुझे। यही जानना चाहते ना तू? तू अगर सरेंडर करेगा तो वो लोग तेरे को जिंदा नहीं छोड़ते जिनके साथ तू काम कर रहा है? मेरे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है साहब। भरोसा? भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा नहीं करना और भी अच्छी बात है। शंकर यादव जब तक जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठूंगा साहब। चुप। शंकर यादव कौन है? शंकर यादव पुलिस डिपार्टमेंट के रहमो करम पर तुम और शंकर यादव जैसे लोग जिंदा रहते हैं, और जब पुलिस की फिरती है ना तो तुम जैसे लोग एकदम साफ कर दिए जाते हो। अच्छा आदमी है इसलिए मैं तेरे को समझाता है। आपका कानूनी मेरे को सरदार बना दिया ना साहब। गलत। तेरे गुस्से और तेरे शॉर्ट टेम्पर की वजह से तू ऐसा है। वो हदीस नहीं पढ़ा तूने? गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है, गुस्से में इंसान शैतान बन जाता है। मान ले मेरी बात, जेल में रहेगा तो कम से कम जिंदा रहेगा, बच्चे तुझे देखने आएंगे, देख पाएगा उनको तू। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ साहब, आपके ऊपर पूरा भरोसा है साहब। मैं कल ही अपने आप को सुबह में सिलेंडर कर देता हूँ साहब। मैं तेरा इंतजार करूंगा, चलता हूँ। तुमने मेरी बात मान ली है, इसमें तेरे को बहुत फायदा होगा। सरदार ने अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखनी चाही, लेकिन तकदीर ने खुद उसे तकदीर का मारा बना डाला। हेलो, अभी आ रहा हूँ साहब। हम तो रुस्वा हो जाएंगे जमाने में, खुदाया खैर। फारूखी साहब, फारूखी साहब किधर हैं आप? आप लोग तो सब ठीक है ना? आप तो बोले फारूखी साहब इनको हार्ट अटैक आ गया बोले ना, ये क्या है आखिर? मांजरा क्या है फारूखी साहब? शाह साहब कुछ तो बोलो। अटका। टीवी देश में कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जो लोग बाकी बन जाते हैं कानून की सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। सरदार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलो बेटा घर चलते हैं। आ, आ, आ,
हाय रे गाजरा, तू कितनी सुंदर है। मैं तेरे को खाता है, तू मेरे को ग्लूकोज देती। तूने अपने पैदा होने का ड्यूटी पूरा किया, मेरे को ताकत दिया। हे गाजरा, मैं भी तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था ना। मालूम तेरे को, वो सरदार को मैं समझाया और वो सुधर रहा था। अगर मैं एक सरदार को सुधारता ना, तो उसके साथ साथ 10 सरदार और सुधरते। ऐसा होने नहीं दिया। मेरा अपना डिपार्टमेंट मेरा साथ नहीं दिया, मेरा साथ नहीं दिया गाजरा, मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर भी मैं हारूंगा नहीं। वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान। सत्य बात गाजरा, सत्य बात। ले लिया बदला। मार दिया साले सरदार को। अरे लच्छो, मार दिया रे, मार दिया रे लच्छो। संपेशना ना गोड़का, नू अकेल बागुंड ने निकल बागुंड था रे लच्छो। मजा आ गया रे। रे शंकर यादव मेरा नाम है, पुलिस पॉलिटिक्स सबको खरीद लूंगा मैं, मेरे पास पैसा है, ताकत है। तेरी चुरान। तुम दोनों कहीं को आए रे इधर? मार दिया तुम्हारे सरदार को, मर गया तुम्हारा सरदार। मार दिया रे, रे मार दिया रे। तू बहुत गलत बोल रहे रे, अपने गमन में तेरा खून भी गंदी नाली में तेरे बेटे की तरह बहाएंगे रे। चल बे। तेरे लिए तो हमारा सुल्तान ही काफी है रे। सुल्तान